एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल हकीम खालिद पर। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खालिद। आज बहुत ही ख़ास टॉपिक होने वाला है और मैं एक के बाद एक बेहतरीन वीडियो डाल रहा हूँ जो कि फ़ायदा मंद भी है और ज़रूरत के तौर पे भी आज के जो ज़िंदगी बीमारियों से घिरी हुई है लोगों की, उनके लिए ये फ्री का तोहफा है जो मैं उनके लिए पेश कर रहा हूँ। मैं ये जो आज का जो टॉपिक है वो ख़वातीन से ताल्लुक़ है, जिन औरतों का हमल बार बार गिरता है, ठीक है, ठहर नहीं रहा है, उनके लिए आज मैं बहुत ही ख़ास दवा बताने वाला हूँ। और अगर कोई भी माँ बहन इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो मेरी बात मुकम्मल सुने। देखिए, औलाद होना बहुत ही अच्छी बात है और किस्मत वालों को भी होता है, अगर नहीं भी होता है तो इसमें दुख होने की बात नहीं है। पाक बेनियाज जिसको चाहे उसे औलाद दे, ठीक है, तो कोशिश करते रहना चाहिए और इसमें अफसोस नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो आपको फ़ायदा होगा। जिनका हमल बार बार गिर जाता है, ठीक है, ठहरता ही नहीं है, उनके लिए मैं आज बहुत ही ख़ास दवा बताने वाला हूँ। कोई ख़ास दवा नहीं है, बहुत ही आसान सी दवा है, आपको मिल जाएगी पंसारी की दुकान में, जाइए और उसको लीजिए। तो लेना क्या है, आपको जामुन की गुठली लेना है, बहुत ही अच्छी लेना है गुठली। ऐसी गुठली मत लेना जो जिसमें घुन लग गई हो, पुरानी हो रखी हो, वो मत लेना, फिर आप कहोगे कि फ़ायदा नहीं मिला। आपको अच्छी लेना है और देख लेना है कि कितनी उसमें खुशबू अच्छी आ रही होगी। अच्छी जो होती है उसकी यही खासियत होती है, उसकी खुशबू ही अलग होगी और जो ख़राब होगी उसकी खुशबू अलग होगी। तो अच्छी जामुन की गुठली लेना है आपको, उसका पाउडर फॉर्म में चेंज कर लेना है, यानी उसको पाउडर में चेंज कर लेना है और जितना लेना रख लेना है, ठीक है। बस करना क्या है कि एक चम्मच आपको शाम के वक्त दूध के साथ लेना है, ये आपको पर डे लेना है, जब आपका हमल रुके उसके बाद लेना शुरू करते हैं, ठीक है। और हमल से पहले भी ले सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। अगर आप हमल से पहले लेंगे तो जिनका हमल वैसे भी नहीं रुक रहा तो भी रुकना शुरू हो जाएगा। इसी खासियत है जामुन की गुठले की, जामुन के पेड़ की ही खासियत है। तो ये इतना ही मुजर्रफ नुस्खा है जो बड़े बड़े आप बड़ी बड़ी दवाइयाँ खा के नहीं होता है, और ये आसान सी दवा से आपको औलाद हो जाए तो इससे क्या कहना। तो मैं दुआ करूँगा कि आई होप के पाक बेनियाज आपको औलाद दे। तो ये मामूली सी चीज़ है लेकिन बहुत ही मुजर्रफ है, आप इसको यूज़ करें। और जिन बहनों का हमल नहीं ठहरा है, बार बार गिर रहा है, तो बिल्कुल इसको यूज़ करें, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और फ़ायदा हो तो इस नाचीज़ को दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक पहुंचाएं। जो भी हम चीज़ देते हैं उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये फेक है, बहुत ही लाजवाब होती है। हाँ, बशर्ते ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक नुस्खा हर एक बंदे पर फिट बैठ जाए, जिस पे बैठ जाए फिट उसकी किस्मत। हाँ, मिजाज बंदे का अगर पता चल जाए तो कोशिश की जा सकती है, ठीक है। तो अगर आप हमसे राफ्ता करें, ऐसी कोई समस्या है तो हम बंदे का मिजाज जांच के उसका इलाज कर सकते हैं इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से, तो वो ठीक होने के उसके चांस ज़्यादा है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मालूम फिर भी मिजाज आप इसको यूज़ करें, कोई कि मिजाज है ये काम करेगा आपका, ठीक है। तो आई होप को मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो मेरी बात तो लाइक ज़रूर करें और लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। शुक्रिया।